जनपद नैनीताल में बीते दिन देर रात हुई मूसलाधार बारिश से मॉल रोड में लगी विद्युत लाइन पेड़ के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही लाइन टूटने के कारण नगर के एक बड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि पहाड़ों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हो रहा है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में कल रात मूसलाधार बारिश देखने को मिली। साथ ही देर रात हुई बारिश में पेड़ और टहनियां टूटने के कारण विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नगर के एक बड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। सवेरे मौसम थमने के बाद विद्युत विभाग और वन विभाग ने मिलकर पेड़ को काटकर लाइन को जोड़ा, जिससे विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सकी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। ये बांस के जैसे खरसू का पेड़ है, बांस प्रजाति के पेड़ है, खरसू बोलते हैं इसको। एक ही जो कल शाम रात बारिश हुई तो सुबह के समय से लैंडस्लाइड भी हुआ, इसकी वजह से पेड़ हमारा लाइन पर गिर गया है। जैसे कि लाइन हमारी भी नुकसान, लाइन को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाइन हमारी चालू नहीं हो पाएगी जब तक पेड़ कटेगा नहीं। तो इसलिए कि पूरी फॉरेस्ट की टीम और जिनके परिसर का पेड़ है वो ऑनर द्वारा ही पेड़ कटवाया जा रहा है। हम लोगों द्वारा सप्लाई बंद करी गई है। जब ये पेड़ कटेगा हम सप्लाई को बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। और कुछ ही दो तीन ट्रांसफॉर्म हमारे बंद है, ज़्यादा एरिया हमारा बंद नहीं हो रहा है इससे।